हेलो फ्रेंड्स एंड और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हो सकता है ये टॉपिक किसी के लिए लाइफ सेवियर भी हो, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फोन्स के बारे में आप बहुत सारे फोन्स की न्यूज़ सुनते हैं कि ये फ़ोन यहाँ ब्लास्ट हुआ, ये फ़ोन यहाँ पर फट गया, ये वो, तो ये जो फ़ोन ब्लास्ट की जो पूरी गुत्थी है, ये जो पूरा सिनेरियो है फोन ब्लास्ट का, ये किस वजह से फोन ब्लास्ट होते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप YouTube, टीवी वगैरह पे हर जगह कहीं ना कहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे, Facebook पे, Instagram पे, हर जगह कहीं ना कहीं जरूर सुनते होंगे कोई ना कोई न्यूज फोन ब्लास्ट के बारे में। कुछ जगह पे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी फ़ोन ब्लास्ट के बारे में, जो दरअसल जो बताया गया था फ़ोन, वो फ़ोन नहीं था, लेकिन फ़ोन तो दरअसल ब्लास्ट हुआ था। ये जो फ़ोन ब्लास्ट आप सुनते हैं, किस वजह से ब्लास्ट होते हैं फ़ोन, तो इसी बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो फ़ोन में जो ब्लास्ट होते हैं, वो एक्चुअल में फ़ोन का ब्लास्ट नहीं होता है। फ़ोन के अंदर आपको जो बैटरी मिलती है, जो आपके पूरे फ़ोन को पावर देती है, जो आपके पूरे फ़ोन को रन करने के लिए वोल्टेज प्रोवाइड कराती है, वो बैटरी ही फॉल्टी होती है, जिस वजह से आपका फ़ोन ब्लास्ट होता है। तो फ़ोन ब्लास्टिंग की एक्चुअल जो वजह है वो है बैटरी ब्लास्ट होना। यानी कि बैटरी जब ब्लास्ट होती है, तो इस वजह से ऐसा फ़ोन के बॉडी में डैमेजेस आते हैं, और ऐसे में आप कहते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो गया। तो ये जो फ़ोन ब्लास्ट, बैटरी जो है वो ब्लास्ट क्यों होती है, तो बैटरी में दरअसल आपको बैटरी को ब्लास्ट को समझने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा बैटरी के बारे में। ऐसा हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो सुन लीजिए। ये जो लिथियम आयन बैटरीज हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आजकल, हमारे सारे डिवाइसेज में लिथियम आयन बैटरीज ही देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम एलिमेंट, जो लिथियम मेटल होता है, उसका यूज़ किया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, केमिस्ट्री है। तो एटॉमिक नंबर 3, और जिसमें कुछ आयंस भी यूज़ होते हैं लिथियम के, यानी Li+ आयंस। तो ऐसे में क्या होता है, जो लिथियम के आयंस होते हैं उनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज में। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही जो है करंट प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए लिथियम मेटल का यूज़ किया जाता है, लिथियम आयंस का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें लिथियम आयन बैटरीज का, लायन बैटरीज, तो फ्रेंड्स यहाँ बैटरी में आपको देखने को मिलते हैं दो कंपार्टमेंट्स। एक कंपार्टमेंट्स होता है एनोडिक कंपार्टमेंट और दूसरा होता है कैथोडिक कंपार्टमेंट। दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करने के लिए बीच में एक सेपरेशन लेयर होती है, जो कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की होती है, जिसे हम कॉमन, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको सॉल्ट ब्रिज के नाम से उसे बोला जाता है केमिस्ट्री में, लेकिन आप उसे सेपरेटर कह सकते हैं। उस सेपरेटर का काम क्या होता है, जो अंदर के जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दोनों कंपार्टमेंट्स के, उनको मिक्स होने से वो रोकता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट में बना रहता है, और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो सेपरेटर का यूज़ किया जाता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर वो सेपरेटर जो है ब्रेक हो गया, उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों कंपार्टमेंट्स के जो सॉल्यूशंस हैं, दोनों कंपार्टमेंट्स के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है एक शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होता है। शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली आपको पता है शॉर्ट सर्किट में बहुत छोटा स्पार्क होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो ऐसे में जो है बैटरी फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है बैटरी। तो फ्रेंड्स यहाँ जो लायन बैटरीज में आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, उसमें बीच में जो सेपरेटर होता है, वो किस वजह से ख़राब हो जाता है, किस वजह से उसमें फॉल्ट आता है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको अगर पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल जो पॉसिबल रीजंस हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा, कोई स्ट्रेट वे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई फिक्स्ड पॉसिबल वजह नहीं होती है, काफ़ी सारी वजह होती हैं जिस वजह से जो है इसके सेपरेटर में दिक्कतें आती हैं। सेपरेटर के ख़राब होने के साथ साथ कुछ और दिक्कतें भी होती हैं, जिस वजह से फ़ोन जो है वो बैटरी जो है वो ब्लास्ट होती है, फ़ोन ब्लास्ट नहीं होता। तो सबसे पहली जो पॉसिबल वजह हो सकती है वो होती है प्रोडक्शन फ्लॉगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहला, अच्छा अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का देख सकते हैं, जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कंपनी को रिकॉल करने पड़े थे अपने 2.5 मिलियन यूनिट्स को मार्केट में वापस। तो ऐसे में जो देखा गया था यहाँ पर, सुनने में तो यही आया था कि जो मैन्युफैक्चरर बैटरीज जो थी वहाँ पर, जो बनाए बैटरीज यूज़ की गई थी नोट 7, वो बनाई तो सैमसंग ने अपने खुद के यूनिट्स में ही थी, उसमें ही कुछ फॉल्ट था, क्योंकि उसमें जो सेपरेटर था वो सेपरेटर कुछ जो बैटरी के जो पाउच होता है, बैटरी का एक्सटर्नल कवर, और जो अंदर कैथोड, जो एनोड और कैथोड होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन को इतना ठीक नहीं था। तो ऐसे में चार्जिंग के वक्त जो है इसमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो है क्योंकि इस दोनों के बीच में स्पेस कम था, तो जो तो वो जो है आपस में जो है हो गए थे कंबाइन, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गया था फ़ोन ब्लास्ट।
तो ऐसा जो है कंपनी की तरफ से जो है कुछ हो सकता है, तो ऐसे में जो है जो कंपनी ने रिकॉल करके डिवाइसेस जो यूजर्स थे वो इफेक्टेड हुए थे नोट 7 के ब्लास्ट की वजह से, तो ऐसे में रिकॉल करके जो डिवाइसेस को रिप्लेस करके दिया गया था, रिप्लेस किए हुए डिवाइसेस में जो बैटरी थी वो किसी और मैन्युफैक्चरर की थी, सैमसंग ने दूसरे मैन्युफैक्चरर से बनवा के जो बैटरी उसमें पुट करके दी थी, लेकिन उसमें भी अपने ही कुछ नए डिफेक्ट्स थे, जैसे कि उसमें जो बैटरी थी वो अच्छी तरीके से इंसुलेटेड नहीं थी, जो आपको बाहर स्टील की कोटिंग जो स्टील के कवर देखने को मिलता है, अगर इनकेस आपको बैटरी जो है अगर ब्लास्ट होती है तो जो आपको कोई नुकसान ना हो ऐसे के लिए आपको प्रोटेक्टिव केस बाहर लगाया जाता है बैटरी में, वो आपको देखने को नहीं मिलता था, कुछ और भी बहुत सारे इसमें रीजंस थे। तो अगले पॉसिबल रीजन की तरफ चले तो यहाँ आपको देखने को मिलता है डिज़ाइन फ्लॉ, यानी कि आपको डिज़ाइन में कोई दिक्कत हो जिस वजह से आपकी बैटरी जो है वो बस्ट हो सकती है। तो डिज़ाइन फ्लॉ में इन द सेंस मैं आपको बता दूँ कि आज के टाइम में हमें बैटरी बैकअप तो अच्छा चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें फ़ोन चाहिए अपना पतला कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए हमें, तो ऐसे में जो है देखने को मिलते हैं डिवाइसेस जो कि कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, तो पतला फोन को करने के लिए जो है बैटरी को कम किया जाता है, लेकिन आप साथ ही साथ चाहते हैं उसका अच्छा बैटरी बैकअप, तो ऐसे में जो है टाइट बहुत ही ज़्यादा टाइट लिटिल अमाउंट ऑफ स्पेस को भी यूटिलाइज किया जाता है ऐसे में गैजेट्स में फोन्स में। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आपका जो बॉडी आपके डिवाइस की बॉडी है वो आपके बैटरी पे जो है प्रेशर अप्लाई कर सकती है, तो ऐसे में क्या हो सकता है आपके डिवाइस जो है बस्ट हो सकता है, आपकी बैटरी में प्रेशर ऑब्वियसली पड़ेगा, तो उसमें जो सेपरेटर है उसमें जो एनोड कैथोड्स हैं उनमें फॉल्ट आ सकता है, तो ऐसे में जो है आपकी बैटरी स्वेल हो सकती है, और अगर आपको जरा भी लगता है कि आपकी बैटरी स्वेल हो रही है उसे चेक करने के लिए आपने अपनी बैटरी को निकालिए, निकालने के बाद आप चाहें तो एक प्लेन सरफेस पे अगर उसे घुमा के देखिए, एक एक्सिस पे अगर वो घूम रही है तो ऐसे में आपको बैटरी जो स्वेल है इमीडिएटली उसे चेंज कराइए। तो अगले पॉसिबल रीजन की तरफ हम चले तो वो है आपकी खुद की मिस हैंडलिंग, यानी मैन्युफैक्चरर जो है उसने तो अपना फ़ोन एकदम बहुत अच्छे से बिल्कुल सारी टेस्ट करने के बाद जो है मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन आप है कि अपने डिवाइस को बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर के साथ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा रफ हैंडलिंग करते हैं अपने डिवाइस, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हैंडल करते हैं, तो ऐसे में आपका फ़ोन अगर नीचे गिरता है तो आपके जो एनोड के थोड़े कंपार्टमेंट्स हैं बीच में जो सेपरेटर है उसमें कोई डैमेज आ जाए, तो ऐसे में अपने डिवाइस को जो है एहतियात बरत के यूज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके डिवाइस में प्रेशर पड़े, आप अगर टाइट क्लोथ्स पहनते तो ऐसे में जो है अपने डिवाइस को जो है कुछ थोड़े बिल्कुल टाइट क्लोथ्स में ना रखें, ऐसे में हो सकता है आपके डिवाइस पर प्रेशर पड़े तो आपका जो बैटरी है उस पर प्रेशर पड़ेगा, आपके डिवाइस पर प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपके बैटरी पर भी प्रेशर पड़ेगा, बैटरी पर प्रेशर पड़ेगा तो उस पर जो एनोडिक का थोड़ी कंपार्टमेंट्स हैं उनमें कंप्रेशन होगा, ऐसे में जो है सोल्यूशन जो है वो बाहर आ सकता है, अगर सोल्यूशन आपस बाहर आकर आपस में कंबाइन हो गया तो शॉर्ट सर्किट और आपका फ़ोन ब्लास्ट। तो अगले पॉसिबल रीज़न की तरफ बढ़े तो वो है आपके चार्जर के साथ प्रॉब्लम, अगर आपका फ़ोन जो है आप अपने ऑफिशियल चार्जर के साथ अपने ऑफिशियल एडेप्टर से यूज़ नहीं कर रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है आपके बैटरी में जो है हीट प्रोड्यूस हो, क्योंकि जो थर्ड पार्टी चार्जर्स होते हैं वो आपके स्पेसिफिकली आपके डिवाइस के लिए नहीं बने होते हैं, ऐसे में हो सकता है आपका डिवाइस जो है वो उस एडेप्टर को एडॉप्ट ना कर पाए, तो ऐसे में डिवाइस जो है हो सकता है गर्म गर्म होगा तो अंदर की जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं जिस वजह से आपके डिवाइस को पावर मिलती है वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा तेज़, केमिकल रिएक्शन तेज़ होंगी तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो आपके बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो और ज़्यादा रिएक्शन बढ़ेगी, ऐसे में ये जो सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं थर्मल रन अवे, तो ऐसे में आपका डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जो कि आप देखते हैं अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर से यूज़ करेंगे अपना डिवाइस तो गर्म इसी वजह से हो जाता है, अपन ऑफिशियल चार्जर से यूज़ करें डिवाइस को, केबल जो है डाटा केबल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उसी कंपनी की यूज़ करें जो आप जिस कंपनी का आपका डिवाइस है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप फिर भी थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ करते हैं तो चीप चार्जर्स जो होते हैं वो इसी वजह से चीप होते हैं क्योंकि उनमें जो वो सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं होती है जो आपको बाकी डिवाइसेस में बाकी जो ओरिजिनल चार्जर्स हैं उनमें देखने को मिलती है, तो इस वजह से थर्ड पार्टी चार्जर्स को अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा, ऑफिशियल चार्जर्स यूज़ करें, ऑफिशियल डेटा केबल्स यूज़ करें चार्जिंग के लिए। तो अगले पॉसिबल रीजन की तरफ चले तो यहाँ पर जो है कंपनी की ऊपर प्रेशर मैनेजमेंट बजट्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ कंपनीज जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अगर एक बैटरी पर 1 रुपया भी बचाती हैं, $1 भी बचाती है तो ऐसे में जो है मिलियंस ऑफ बैटरीज वो बनाती है, तो 1 मिलियन 2 मिलियन बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे उनकी जो है बचत हो जाती है, उनकी जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो ऐसे में जो कंपनीज क्या करती हैं कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को भी बायपास कर देती हैं, ऐसे में जो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप कोई ऑफिशियल बैटरी अगर अपने डिवाइस के लिए लेंगे तो वहाँ जो है आपको सिक्योरिटी मेजर्स पूरे मिलेंगे, वहाँ आपको रेगुलेटर्स देखने को मिलेंगे, रेगुलेटर्स जो आपके चार्ज को जो है रेगुलेट करते हैं, अगर आपके बैटरी फुल चार्ज हो चुके तो उसे चार्जर को उस चार्ज को उस बैटरी में जाने से रोक देते हैं, यही काम होता है रेगुलेटर्स का, लेकिन अगर आप
थर्ड पार्टी बैटरीज को देखें कुछ, तो ऐसे में जो है आपको वो सिक्योरिटी मेजर्स देखने को नहीं मिलते हैं, रेगुलेटर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ऊपर जो स्टील की कोटिंग होती है, स्टील की जो शील्ड होती है, जो अगर आप इन केस अगर आपकी बैटरी ब्लास्ट होती है तो वो शील्ड आपको बचा सके, तो वो थर्ड पार्टी चार्ज थर्ड पार्टी बैटरीज में देखने को नहीं मिलती है। तो ऑफिशियल बैटरीज को भी यूज़ करें, बस यही कह सकते हैं। तो ओवरऑल सम अप करके अगर बात की जाए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कंपनीज जो हैं बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद अपनी बैटरीज को लॉन्च करती हैं, अपने डिवाइसेस को लॉन्च करती हैं, तो कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट द केस ऑफ सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, क्योंकि उसमें कुछ मिलियन फोन्स में से कुछ फोन्स 20 25 30 फोन्स थे जो ब्लास्ट हुए थे, तो ऐसे में कंपनी की तरफ से इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन बात यह है कि आपको जो है अपने फ़ोन को रफ हैंडल नहीं करना चाहिए, अपने डिवाइस के वियर एंड टीयर से बचाना चाहिए। थर्ड पार्टी चार्जर्स यूज़ मत कीजिए, अगर बैटरी आपको दिक्कत देती है तो ऑफिशियल बैटरी को यूज़ कीजिए, कंपनी की बैटरी को यूज़ कीजिए, थर्ड पार्टी चीज़ों पर रिलायबल ना रहें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बैटरी बस्ट होती हैं, क्यों बस्ट होती हैं बैटरीज, और आई होप आप अब सावधानी बरतेंगे किस तरीके से बैटरी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, कॉम्पैक्ट साइज में इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, तो इन्हीं को यूज़ किया जाता है। लिथियम पॉलीमर बैटरीज भी होती हैं, लेकिन उनमें यूज़ करना इतना ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं है, तो ऐसे में लिथियम आयन बैटरीज को ही यूज़ करना पड़ेगा फिलहाल तो। लेकिन यूज़ कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी वीडियो आई हो पसंद तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्यों पसंद नहीं आई और पसंद क्यों आई वो भी मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ़ोन की बैटरी अगर हीट हुई है, ब्लास्ट होने तक के चांसेस आ गए हैं, बैटरी स्वेल ही हुई है, अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर कीजिए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।